हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। मोबिन अहमद जी जो पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं, इन्होंने नाच नचैया धूम मचैया में मेरे साथ में एज अ पार्टनर हम लोगों ने डांस किया था और चौथे राउंड तक गए थे, जिसमें गणेश आचार्य जी, सुधा चंद्रन जी और कानू जी जज थे। और उसके बाद से इन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी फिल्में भी की, बाकी तो सब ये बताएंगे, लेकिन तब से मैं इनको जानती हूँ और ये बहुत अच्छे एक्टर है और डांसर भी है, तो इनमें टैलेंट है इसीलिए इनको चांस दिया। बाकी मेघना पटेल है जो हमारी फिल्म कब हुई मिलनवा हमारे में कर रहे हैं, तो इनके बारे में तो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन अपने आप में, मेघना पटेल एक अच्छी एक्ट्रेस है और बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा जाना माना नाम है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसीलिए वो मेरे लिए ये फिल्म कर रही है। और राजू सिंह माही जी के बारे में मैं क्या कहूँ, इनके बारे में भी आप सब जानते हैं, इन्होंने काफ़ी हिट हिट फिल्में दी हैं और अभी निर्माण के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी कब हुई मिलनवा हमार में सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जी। अभी राजू सिंह माही बताएंगे आप जी। जिसमें से कि गजब भयो रामा और भोजपुरिया डॉन टू और कब हुई मिलनवा हमार, जिसमें से कब हुई मिलनवा हमार में मैं शायद संगीता जी के साथ जी बिल्कुल, और मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग जोड़ी एक बार फिर आ रही है क्योंकि एक पिक्चर हमारी इनकी है तू ही तो मेरी जाना था पार्ट टू, वो टीवी की सूर्यवंशम है, हर तीसरे दिन आती है टीवी पे। काफ़ी अच्छा पे लोगों ने तारीफ किया, एक बार हम वापस फिर से आ रहे हैं। रोल के बारे में तो आपको बेटर संगीता जी बता सकती है, ये फिल्म मैं कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ संगीता जी की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और अगर वो कुछ भी करती है तो मैं हमेशा उसके लिए खड़ी हूँ और उसको सपोर्ट करूँगी। और फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है, कब होगा मिलन व हमार, सो ये भी बहुत कैची लगा मुझे टाइटल और इसलिए ये फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रेम को रिप्रेजेंट करता है और हमें दुनिया में प्रेम ही फैलाना चाहिए और मैं इसीलिए फिल्म करना पसंद कर रही हूँ। और जो हमारे बैनर के इन प्रोड्यूसर हैं मैडम संगीता जी, उनको और हमारे डायरेक्टर सर हैं तीन फिल्म जैसे भोजपुरिया डाउन टू, कब हुई है मिलनवा हमार और गजब भयो रामा ठीक है, ये तीनों फिल्में हैं जैसे कि भोजपुरिया डाउन टू के डायरेक्टर हैं दीपक सिन्हा सर, बाकी दो फिल्मों के वो डायरेक्टर हैं अपने दीपक तिवारी सर। तो मुझे इस फिल्म में मतलब मौका मिला करने के लिए, और मैडम को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, नाचिया धूम मचैया से इन्होंने मतलब हमारी इनकी जोड़ी थी पहले, तो वहाँ से फिर हम लोग किए वहाँ पे नाच थे, जैसे कि बताया मैडम ने आपको कि जैसे गणेश आचार्य मास्टर जी, कानू दादा, सुधा चंद जी ये लोग जज थे, फिर वहीं से हम लोग की जोड़ी मतलब हुई। फिर मैं मास्टर जी के साथ करता रहा, उनका असिस्टेंट हुआ गणेश आचार्य मास्टर जी का, मैडम के साथ भी बहुत सारी सोच किए फिर हमने, फिर आज ये मौका मैडम ने मुझे दिया एज एक्टर के लिए भी, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम का कि मैडम ने मुझे इस काबिल समझा और थैंक यू सो मच। पहले तो
सभी को प्रीति ज्ञानी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्ते। मैं संगीता जी को कॉन्ग्रेट्स कहूँगी कि उन लोग वो एक दिन में तीन तीन फिल्म की मुहूर्त कर रहे हैं, सो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उन लोगों ने मुझे कास्ट किया, सो बहुत अच्छा लग रहा है। कब हमार हुई मिलन, सॉरी थोड़ा भोजपुरी प्रॉब्लम है। कब हुई मिलन वा हमार, कब हुई मिलन वा हमार, इसमें मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ओके, हाँ एक्चुअली इससे पहले भी हमने फिल्म की, उसमें हमने राजू जी ने मुझे बहुत भोजपुरी सिखाई है, सो इसीलिए अभी भी सिखा नहीं, मैं सबको सिखाता हूँ जिसको नहीं आती है। और प्रीति की काफ़ी है, लेकिन तो भी उसके बाद भी बढ़िया कर लेती प्रीति, एक बार समझ जाती क्या बोलना है। थैंक यू। अभी रिसेंटली हम तीन फिल्म साथ कर रहे हैं, इससे अभी हम रिसेंटली एक शूट करके आए, ओम जय जगदीश है और बड़े मियाँ छोटे मियाँ है और गुमराह है। गुमराह में बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं राजू जी, उसमें मैं एक ऑटो ड्राइवर बनी हूँ, सो मेरा भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और बन रही है उसका, हाँ कम्प्लीट हो गई है वो फिल्म, ऑलमोस्ट हो गई है। सो गाइस ज़रूर आना देखने के लिए हमारा मैन। ऑटो ड्राइवर मैं बताऊँ तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसमें, मैं एक ऑटो चला रही हूँ और बाकायदा मैंने ट्रेनिंग ली है उसकी, दो दिन की मैंने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद मैंने ये सीखा और उसको प्ले किया, मज़ा आया इसमें, बिल्कुल बिंदास कैरेक्टर है मेरा उसमें। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दीपक तिवारी जी, बिकॉज मैं अभी रिसेंटली आई हूँ, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, सो दीपक तिवारी जी हैं और मज़ा आएगा उनके साथ काम करने में, पहली बार मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, सो लेट्स सी। अभी मेरा एक प्रेमी ऑटो वाला है, इच्छा नागधारी करके फिल्म है, बहुत सारे वैसे लाइन में आई रही है कंटिन्यू, इस ईयर में तो बहुत सारे फिल्में मेरी रिलीज होंगी, सो गाइस ज़रूर जाना अपने नज़दीकी थिएटर में और हमें हमारा प्यार आशीर्वाद ज़रूर देना गाइस। भाई मैं सबसे पहले तो हमारे जो तीनों दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ, और संगीता जी, दीपक जी और अपना रवि सिन्हा जी और अजीत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि एक ही प्रोड्यूसर ने तीन पिक्चरों का मुहूर्त किया, और जो आप लोग इनके साथ मिले और मैं भी शायद हो सकता है वन ऑफ द पार्टीज में रहूँ, क्योंकि मैं भी अभी अपने आप को यंग समझने लगे तो इन बच्चों के साथ काम करने की कोशिश करूंगा। हमारे ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर संगीता जैसी जो है कलाकार प्रोड्यूसर जो आना चाहती हैं, आप लोग सब आज इतनी सारी तादाद में मीडिया लोग आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग इतने जमा हुए हैं तो ऐसे ही इनकी तीनों फिल्मों के लिए पब्लिक भी वैसे ही जमा होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत ही सक्सेस फिल्म बनाएंगे, और सिन्हा साहब का तो मुस्कुराता चेहरा तो जाहिर सी बात है फिल्म अच्छी बनाएंगे, तो आप लोगों तीनों के लिए एक गाना गा देता हूँ, मैं गा दूँ वही गा देता हूँ। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम। जी हाँ, तो हम इन तीनों के प्यार में पागल हैं और बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं, भोलेनाथ से यही दुआ करते हैं कि इनकी तीनों फिल्में सुपर हिट हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे जो डायरेक्टर हैं रवि सिन्हा जी, दीपक जी, ये लोग मिलकर फैसला करेंगे क्या करना है, कैसा म्यूज़िक होना चाहिए। डेफिनेटली इनके दिलीप जी के म्यूज़िक तो हम लोग सुनते आ रहे हैं और बहुत ही सुपर डुपर हिट इन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो भोजपुरी फिल्मों में भी अच्छे म्यूज़िक आए डेफिनेटली ऐसी चाहत है। आप क्या ये समझते हैं कि अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर किसी मुहूर्त में आया है तो जरूरी है कि म्यूजिक में आशीर्वाद देने भी आ सकता हूँ? ये बात अलग है कि क्योंकि अब वो सोच नहीं रही पहले वाली बात के भोजपुरी है तो भोजपुरी कर सकता है, क्योंकि मैंने भोजपुरी भी की, मराठी भी की, गुजराती भी की, पंजाबी भी की, मगर अब क्या है कि यंग लड़कों के साथ जैसे कि हैं ये तो बैठे हुए हैं, तो इनके साथ काम करके मुझे भी लगेगा कि नहीं आज के ज़माने का मैं काम करने की कोशिश करूँगा। आई होप जब ये मुझे कहेंगे तो मैं डेफिनेटली इनके लिए काम करूँगा। मतलब डायरेक्टर के लिए या नहीं, तो मैं इतना बुरा लग रहा हूँ क्या म्यूजिक देते हुए? म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा मेरा, अभी म्यूजिक तो अभी देने का मूड नहीं है, डायरेक्ट पर्दे पर
नहीं सर, वो आप लोग वैसे प्यार देते रहिए, मेरे लिए मेरी फिल्म यही है जो आप जितने मीडिया वाले मुझे कवर करते हैं, मेरे लिए यही फिल्म है। और बहुत आई लव यू और रिस्पेक्ट यू। अनूप साहब की हमारे साथ तुलना इसलिए नहीं कीजिए, नहीं नहीं भाभी जी से तो खैर क्या बात कर लोगे, जब मैं नहीं कर पाता हूँ तो आप क्या करोगे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ अनूप जी की हमारी तुलना इसलिए नहीं होती कि वो हमारे पूजनीय भाई साहब हैं, और वो जो कर सकते हैं वो जो सोच सकते हैं हम लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। रही बात बिग बॉस की, तो यार मैं पहले बिग बॉस जैसा ही था, अभी 8-9 साल से नॉर्मल दिलीप सेन बना हूँ। नहीं तो पहले इंडस्ट्री में अगर जो मुझे पुराने जानते हैं 15 साल पहले के, तो उनको मालूम है कि दिलीप सेन क्या था। तो बस शो बहुत अच्छा है, ईश्वर उसको सक्सेस करे, आप लोगों की दुआएं मिलते रहे भैया। धन्यवाद सर, थैंक यू। रवि जी क्या कहते हैं? संगीता जी को तो मैं जानता हूँ तकरीबन 10-15 साल से, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वाह वाह। और हम लोगों ने साथ में काम किया है, एज एन एक्ट्रेस इन्होंने काम किया है, मैं एज एन डायरेक्टर इनको डायरेक्ट किया है पिक्चर। मेरी पहली हिंदी फिल्म के डायरेक्टर, रीटेक फिल्म के डायरेक्टर। और भोजपुरी फिल्म भी जो है मैं देवर जी के डायरेक्टर रहा हूं। तीन साथ हम लोगों ने काम किया था, और बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने आज 3 फिल्मों के मुहूर्त की है, 3 फिल्म बनाने जा रही हैं, और जिसमें एक फिल्म जो है भोजपुरिया डॉन है, जिस बहुत चर्चित फिल्म थी, मनोज तिवारी को लेकर मैंने फिल्म बनाई थी, उस समय बहुत फिल्म चली भी थी, बहुत हिट फिल्म थी। ये भोजपुरिया डॉन पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ, इसमें प्रमोद प्रेमी जी हीरो हैं। इत्तफाक से आज प्रमोद प्रेमी जी यहाँ नहीं है, क्योंकि वो सिंगापुर गए हुए हैं अवार्ड फंक्शन के लिए, तो उनके एब्सेंस में हम लोगों ने कर दिया है। बहुत भागाधापी हुई, टाइम ऐसा था, मुहूर्त का निकल चुका था, तो बोले भैया कर लीजिए आप, हम आते हैं तो फिर मिलते हैं, तो सिंगापुर में हैं। और भोजपुरिया डॉन पार्ट 2 इत्तफाक ऐसा है कि उस रोल में प्रमोद प्रेमी बहुत सूटेबल बैठते हैं, और मेरे बहुत चहते हीरो हैं वो, तो मैंने उनको रखा है। संगीता जी प्रोड्यूस कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी और इनकी जोड़ी जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बहुत अच्छी रहेगी, अब फिल्म सुपर डुपर हिट रहेगी। अजीत जी तो मैं पूरा भोजपुरिया समाज को प्लस आप मीडिया प्रभारी को प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद मैं संगीता जी का बहुत बड़ा आभार हूँ। जोर से जी, बहुत बड़े आभारी हूँ मैं संगीता जी का कि जिन्होंने एक साथ भोजपुरी में एक फिल्म में तेरे बच जाता है। लेकिन संगीता जी ने 3-3 फिल्म का मुहूर्त किया, बनाएंगी भी, ये भी 100% तय है। हमारे बुजुर्गों लोग कहते हैं कि हिम्मत न हारे वाला जीत जाला जंग हो, आ कबो ना ही उतरे दीह हौसला के रंग हो। ना तो हिम्मत है संगीता जी में, फिल्म भी बनेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद से फिल्म सुपर स्टार नहीं जुबली स्टार। अभी नया साल में करेंगे नया धमाका। अभी तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं वर्क कर रहा हूं उस पर, लेकिन ये फिल्म भी उससे कम नहीं होगी जो भोजपुरिया डॉन थी जिसमें मनोज जी थी, उसमें ये फिल्म भी दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत कन्वास बहुत बड़ा इसका होगा, और ज़बरदस्त फिल्म बनेगी ऐसा सोच है मेरा, और उसमें संगीता जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा है। और हम लोग एक बहुत पुराने दोस्त हैं, इत्तफाक से ये एक्ट्रेस रही हैं, मैं डायरेक्टर रहा हूँ, अभी ये प्रोड्यूसर है, मैं डायरेक्टर हूँ। खुशी की बात है। तीनों फिल्मों के लिए दर्शकों से यही कहूंगी कि जिस तरह मुझे मुख्य अभिनेत्री के रूप में आपने जितना प्यार दिया है, जितनी सराहना की है, थिएटर जाके मेरी फिल्में देखी है, उसी तरह उससे भी ज़्यादा तादाद में मेरी फिल्म जब रिलीज़ हो तो आप लोग आइए, और सबसे पहले आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे मुझ पर, ताकि मैं तीनों फिल्मों को बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीट करके आपके सामने ला सकूँ। पता नहीं किसी ने कुछ बताया है नहीं है, बट नाग नागिन के ऊपर, और नाग अपनी नागिन की रंग का बदला कैसे लेता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग मोड से डिफरेंट तरीके से इसको फिल्माया जा रहा है, सिंपल ये है। और दूसरी जो है गजब भाई और रामा, ये पूरी तरह से कॉमेडी फिल्म है, मतलब कि आदमी एक आदमी जो है दुनिया की सारी औरतों से परेशान है, उसकी क्या हालत होती है, उसके पूरे परिवार में इर्द गिर्द उसकी बहुत सारी औरतें उसके नसीब में मिलती हैं, तो परेशानी को दिखाया गया, और फिर वो परेशानी दूसरों की परेशानी फिर वो कैसे दूर करता है, ये है एक मनोरंजक कहानी।
अभी तो कुछ जो आप पोस्टर पे देख रहे हैं वो फाइनल है, कुछ और भी फाइनल कर रहे हैं, बाकी गजब भयो रामा का भी हमने फाइनल नहीं किया। फरवरी से हम लोग जा रहे हैं और यूपी में करेंगे, तीनों फिल्म एक साथ करेंगे। उनकी जितनी भी सराहना करूँगा मैं, बहुत बहुत ही हिम्मत देती हैं वो और उनके साथ नया नया चीज़ क्रिएट करने में बड़ा मज़ा आता है। जी, एक राजेश पांडे हैं जिन्होंने हमारी वो फिल्म लिखी कब हुई है मिलनवा हमारे, और दूसरी जो फिल्म है वो मैं खुद लिख रहा हूँ क्योंकि सारा मेरा ताना बुना बनाया हुआ है। म्यूजिक कैसा होगा? म्यूजिक हमारे विधाता जी है, म्यूजिक आप बताएंगे बेहतर, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया है, जो गाना इन्होंने बनाया। बताइए सर। जी बताइए सर, म्यूजिक कैसा होगा? म्यूजिक जो पब्लिक जैसा मांग रही है, न्यू टाइप का, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई ये न्यू चीज़ है, हम लोगों का कोशिश रहेगा कि भाई पब्लिक के हिसाब से म्यूजिक जाए। गाने उस फिल्म में टोटल 8 गाने हैं और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए सब लिखा जाएगा। सिंगर तो अभी हम लोग फाइनल नहीं किए, सारे उड़ते हुए गाने, सैड सॉन्ग कोई नहीं। रिलीज की प्लानिंग देखिए, अभी से प्लानिंग करना ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग फिल्म जब हाथ में होती है तब हम लोग रिलीज डेट फिक्स करते हैं। थैंक यू। मुझे सौभाग्य है कि हम इनके साथ में आज जुड़े हुए हैं और ये फिल्म हम कर रहे हैं इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, जो कांटा लगा से लेके कैसन पियावा के चरित्र में इतना हिट हिट गाना सर दिए हैं। जी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ। ये मेरे भाई हैं अजीत मंडल जी, जो अद्भुत राइटर हैं प्लस म्यूजिक भी करते हैं। सबसे पहले मेरे जितने भी श्रोता जो मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सब लोग के गोर छुपे गोर लगाता नहीं और नया साल के शुभकामनाएं एडवांस में देता नहीं सब लोग के। आज बहुत ही खुशी हुई, मेरे बहुत ही अजीज मित्र हलचल अजीत जी एज ए लीड, इन्होंने और सारी फिल्म किया है लेकिन इनके साथ पहली बार मैं शरीक हो रहा हूँ फंक्शन में, इस फिल्म के एक परिवार में। इनके साथ हम लोगों ने गाना किया है, काफ़ी सारे हमने एल्बम किया इनके साथ, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत ही अच्छा एक परफेक्ट धमाका पैकेज जिसको बोलते हैं वो हैं ये। और देखिए पर्दे पे क्या होता है इनके साथ, तो इतना इनको प्यार करती है, बहुत ही अच्छा गाते हैं इनके साथ, बहुत ही अच्छा। मैंने अभी एक गाना किया था जो गाना बहुत ही बढ़िया लोग पसंद कर रहे हैं। अरे साँच कहीं बिना में कब से कब कह जा चलूं, हर साँच कहीं बिना में कब से कब के जा चलूं, धंसे लूं नजरी में बगी जब तू हंसे लूं, साँच कहीं बिना में कब से कब के जा चलूं, धंसे लूं नजरी में बगी जब तू हंसे लूं। जानी क्या देखी दिल में भाई, देखी दिल में भाई लपिन तो बड़ी जान मारता, जान मारता तोहरा गोलिया के डिंपल। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिया है इस गाने को और थैंक यू सो मच आप सभी को। बहुत अच्छे गाना लिखे हैं प्रतिभा एंटरटेनमेंट चैनल के हैं। फिल्म में हम लोग कितना अपना परफेक्ट दे सकते हैं आप लोगों के लिए, कितना हम लोग आपकी उम्मीद पे कितना खरा उतर सकते हैं, यही शुभकामना है सब लोग के। नमस्कार प्रणाम बोल रहे अभी पहुंची हूँ। Congratulations, I'm proud of her. Thank you. Yeah, woman's power. Yes, I love it. Yeah, done. मैं बहुत खुश हूँ आज एक साथ मेरे 3 फिल्मों का निर्माण करने के लिए क्षेत्र में उतरी हूँ और इससे पहले धुरंधर हम लोगों ने बनाया है साई चलचित्र एंटरटेनमेंट के बैनर तले। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेरे भाई हैं दीपक तिवारी जो एज अ डायरेक्टर 2 फिल्म कर रहे हैं और एक फिल्म का निर्देशन रवि सिन्हा जी कर,
जी भी कुछ कर रही हैं इसमें, इनका भी योगदान, मतलब पूरा परिवार बहुत ही सपोर्टिव है। तो अच्छा लगता है जब आपको अपना परिवार सपोर्ट करता है और चीज़ें बनती है। तो कहानी भी बहुत ही बढ़िया है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लग रहा है और सारे जितने आर्टिस्ट हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इंजॉय कर रहे हैं फिल्म, काम करना एक अलग होता है, काम करते करते इंजॉय करना मज़ा आता है। बिल्कुल, आप कुछ बोलिए। मेरे मतलब तरफ से तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूजा प्रार्थना जो भी है आज मुझे वही दिख रहा है सामने, पता नहीं क्या ऐसे आशीर्वाद दिख रहा है कि और सबसे ज्यादा जरूरी है सभी लोगों की सपोर्ट, बहुत ज्यादा, क्योंकि ना कुछ नहीं पॉसिबल है। मैं चाहती हूं ये दोनों इतने कमाल और धमाल करने चाहिए ना, एकदम मतलब रिकॉर्ड तोड़ दे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और आज पूजा सफल हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बात, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.